हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारू रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करना चाह रही हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं पालक को बॉईल कर रही हूँ। कुछ लोग पालक को जब बॉईल करते हैं तो उसका कलर है थोड़ी देर बाद काला पड़ जाता है और वैसा एकदम ग्रीन कलर नहीं रहता है। तो इसके लिए जब इस स्टेज पर आपका पालक आ जाए, यानी कि जब आपको लगे कि पालक है जो उबल गया है, क्योंकि अभी तो ये एकदम से ग्रीन है, आप देख रहे हैं, जब तक ये गर्म रहेगा और गैस पर रहेगा तब तक इसका कलर जो है वो काला नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद इसका रखने के बाद ये जो कलर है वो काला पड़ जाता है, फिर इसकी हम प्यूरी बनाते हैं तो काली पड़ जाती है। तो उसी के लिए इस टाइम आप इसको जब गैस को बंद कर दें तो उसके तुरंत बाद इसमें आप या तो चुटकी भर मीठा सोडा डाल दीजिए, या फिर इसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए, या फिर हल्का सा सिरका डाल दीजिए। तो इससे क्या है, आपके जो प्यूरी है या फिर जो भी आपका पालक है, ऐसे भी यूज़ करना चाह रहे हो जैसे भी, तो उसका जो कलर है वो डार्क नहीं होगा, एकदम ग्रीन रहेगा और एकदम अच्छा ग्रीन रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको टिप्स कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।